ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक हम कहते हैं टाटा स्टील का फाउंडर डे है, लेकिन ये जमशेदपुर सिटी फेस्टिवल है और जमशेदपुर सिटी फेस्टिवल में हम लोग सोचते हैं कि नई नई चीज़ें कैसे करें जिससे कि जो लोग बाहर से भी आते हैं, हम जानते हैं लोग बंगाल से आते थे पहले, उड़ीसा से आते थे, लेकिन अभी थोड़ा पेंडेमिक के कारण सिर्फ झारखंड के ही लोग आ रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि पहले सिर्फ जुबली पार्क तक ही सीमित था, लेकिन अब सही मायने में सिटी फेस्टिवल है क्योंकि यहाँ पे जितनी अच्छी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, न्यू बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ की नॉन बिल्डिंग्स हैं उनकी सभी लाइटिंग इल्यूमिनेशन हो रही है, जैसे बताया गया प्रेजेंटेशन में शायद 13 बिल्डिंग्स इल्यूमिनेट हो रही हैं राउंड अबाउट, जो हमारे शहर के लिए एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है, बिकॉज आप किसी भी छोटे मिड से सेगमेंट सिटी में जाएंगे तो रेड लाइट ज़्यादा होती हैं, यहाँ राउंड अबाउट हैं उनको एलिमिनेट किया गया है। तो आप जो बोल रहे थे कि जो लोग आते हैं बाहर से उनके लिए कुछ अगर छुट्टी से उनको वेज मिलता है किसी तरीके से, क्योंकि खाना पीना होगा वो रहेगा फिर भी, क्योंकि लोग आएंगे बिल्डिंग्स को देखेंगे, इसको इल्यूमिनेशंस को देखेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर द सिटी एज सच, और इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू जुबली पार्क, सो इट विल बी अक्रॉस द सिटी।